गाइज वेलकम टू तरुण खुराना ब्लॉग्स, एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम जनकपुरी में और यहाँ पे मैं जिनसे मिला उनको तो मैं मिलवाऊंगा, बट उन्होंने मुझे आज एक नई जगह इंट्रोड्यूस करी है जो कि है कार्टून कैफे। बढ़िया भाई आप बताओ। बढ़िया, क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई आप बताओ। दोनों ने सेम डायलॉग याद करके बोला भाई ये दोनों एक्चुअली हम। तो भाई आपने मुझे ये कैफे रेकमेंड क्यों किया? रिव्यूज अच्छे हैं गूगल पे। अच्छा। और मेरे फ्रेंड्स भी आ रखे हैं तो अच्छा है। ओके, तो चलिए फिर एक बार देखते हैं आप जो बोल रहे हो कि बर्थ है या सिर्फ वैसे ही आ गए। ये है कार्टून कैफे एंड इसका एम्बियंस मैं भी आपको दिखाता हूँ। सो गाइस हम कार्टून कैफ़े में तो आ गए और यहाँ पे बेसिकली इट्स मोर लाइक अ बेकरी और जिसका स्वीट टूथ है वो यहाँ पे आके खा सकता है। मैंने अभी कल ही पास्ता वगैरह खाया तो मैं वो तो भी खाने का मन नहीं है। तो यहाँ काफ़ी फैंसी डेजर्ट्स लग रहे हैं तो वो ज़रूर ट्राई कर सकती थी, क्योंकि अगर यहाँ पर आए हैं तो कुछ तो खाना बनता है आई एम श्योर। लेके आए हैं यहाँ पे ये भाई लेके आया, मेरे को रिव्यूज़ अच्छे मिले थे तो मैंने बोला यहाँ ट्राई कर सकते हैं। नहीं नहीं वैसे ही ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोलता आप गलत जगह ले आए, पर क्या खाना चाहिए फिर यहाँ पे? अब बेकरी टाइप है तो पेस्ट्री ट्राई कर सकते हैं हम। पेस्ट्री ट्राई कर सकते हैं। और मनु भाई आपका क्या कहना है? जो मुझे ट्राई करूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं पेस्ट्री के, तो ये वाली ऑर्डर करते हैं फिलहाल। बाकी तो यार चॉकलेट वगैरह भी खाने का मन नहीं है तो हम ये वाली ले सकते हैं। तो सर आप क्या बता रहे थे इस प्लेस के बारे में? ये एक फ्रेंच बेकरी है। ओके। और इसमें आपको बहुत तरह के अलग तरह के आपको डिफरेंट वराइटीज फ्रेंच है, चॉकलेट्स, केक्स, पेस्ट्रीज काफ़ी कुछ मिलेगा। ओके। जो आम जगह बेकरी पे नहीं होता। ओके। तो आप हमारा अरेबिक कैमल ट्राई कीजिए। हाँ मेरा वही मन कर रहा था ट्राई करने का, पहले मेरा फ्रूट वाला था फिर मेरे को ये थोड़ी फैंसी लगी देखने में। फ्रूट इज ऑल्सो गुड। और आप हमारे कैरामल ब्राउनी देखिए। वही सो गाइस अभी हम ये वाला ऑर्डर कर रहे थे बट अभी मुझे ये वाली ज़्यादा फैंसी लगी क्योंकि फ्रूट वाली तो हम ट्राई कर चुके हैं, बट दिस इज़ समथिंग अमेजिंग और नाम से भी काफ़ी फैंसी है, अरेबिक कयामत। तो ये हम खाने वाले हैं। चॉकलेट है ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा। रोस्ट करके तो ये रोस्ट करके सारी हैंड क्राफ्टेड चॉकलेट्स हैं ये कह रहे हैं यहाँ की स्पेशलिटी और बहुत स्पेशली क्यूरेट की जाती हैं। चाहे आप ये मैक्रून्स देख लो, ये भी कह रहे हैं आमंड पाउडर से बनाए हुए हैं। भैया बताओ इस कैफे के बारे में, बता दो। चीज़ केक के बारे में सब चीज़ केक जो है हमारे ये सबसे बेस्ट क्वालिटी के चीज़ केक। ओके। आपको वेस्ट दिल्ली के अंदर इधर पे कोई भी ऐसे चीज़ केक वो नहीं मिलेंगे। ओके। मतलब देखने में काफ़ी टेम्पटिंग लग रहे हैं, मैंगो बेक, न्यूयॉर्क ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी चीज़ केक, तिरामिसू, न्यूटेला, बनोफी पाई, एप्पल पाई, मतलब वैरायटी तो अच्छी है। वैरायटी अच्छी है और हमारी क्वालिटी भी अच्छी है, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं जी, टेस्ट करके भी देख सकते हैं इसको। और हमारी असॉर्टेड हैंडमेड चॉकलेट्स भी है इधर। हाँ वो मैंने देखी, मतलब ट्रू, जैसे कि हमारे ये अरेबिक कयामत डेजर्ट। हाँ ये मैंने पहली बार नाम सुना और मैंने यही ऑर्डर प्लेस किया है अभी। ये रेबिट डेजर्ट है जो आलमंड पाउडर से पूरा बनता है। ओके। जिसके ऊपर हनी कैरमल
हनी कैरमलाइज करके उसके ऊपर ड्राई फ्रूट के साथ टॉपिंग करी गई है। ओके। और जैसे आप ये देख सकते हैं नौफियर चॉकलेट है, ये है डबल ब्राउनी स्पॉन्ज है। अच्छा। वाइट ब्राउनी एंड चॉकलेट ब्राउनी एंड कैरमलाइज सॉस होती है इसके ऊपर कैरमल की एंड साइड में वॉलनट्स की कोटिंग की गई है। सो गाइस हमारी अरेबिक कयामत तो आ गई और ये हमारी पेस्ट्री काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रही है क्योंकि मैंने यहाँ तो कभी ट्राई नहीं किया और ये अरेबिक फ्लेवर है उन्होंने स्पेशली बोला। कैसे लग रही है देखिए भाई? देखने में तो अच्छी लग रही है, बाकी टेस्ट का पता नहीं आपको। सर आप मैडम स्नैपचैट चलाते रहे हैं? नहीं नहीं बढ़िया लग रही है देखने में, डिलीशियस। गाइस ये पेस्ट्री काफ़ी यूनिक है, काफ़ी डिफरेंट, टेस्ट वाइज भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नॉर्मल हम पेस्ट्रीज ट्राई करते हैं तो उसमें हमें पता कैसा टेस्ट होता है ब्रेड का और वो, बट इसके अंदर जो क्रंच और आमंड और सारे फ्रूट्स का ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर जो आ रहा था वो बहुत अच्छा, और इसको वार्म सर्व किया जाता है तो अच्छा लगा। कैसा लगा? अच्छी है, जेन्युइनली अच्छी है, बढ़िया है ना, कोई शक्ल से तो अच्छे, टेस्ट वाइज भी अच्छी है। 5 में से क्या रेटिंग दोगे इसको? 5 में से 4.5। ऑब्वियसली जो ये देगा 4.5 ही। कौन हो तुम? मैं भाई भाई है दोनों। भाई मुझे यही स्वीट जेस्चर अच्छा लगता है जब ऐसे कोई सामने से आउट ऑफ टोकन ऑफ लव जब चीज़ें कोई ऑफर करता है। जैसे रिसेंटली जब मैंने वो यूट्यूबर मोमो वाला के वहाँ गया था तो उन्होंने कॉफ़ी ऑफर करी, और आज जब मैं यहाँ पे इस कैफ़े में आया हूँ तो उन्होंने मेरे लिए क्रोसॉन ये दिए हैं कि आप आए हैं स्पेशली, तो ये हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये जेस्चर्स आई थिंक आगे और पुल करते हैं लोगों को आने के लिए, रियली स्वीट। और अभी टेस्ट करते हैं ये भी कि बताते हैं कैसा है। बहुत मैंने बड़े क्रोसॉन्स देखे हैं, बड़े छोटे मिनी क्रोसॉन्स हैं, आई होप टेस्टी होंगे, शक्ल से तो बहुत ही हम लग रहे हैं, गरम गरम है, खाते हैं। भाई क्रोसॉन तो बहुत अच्छा था, मेरे को पहले लगा था कि स्वीट होगा क्योंकि हमने यूजुअली स्वीट क्रोसॉन खाया है, फिलिंग वाला खाया है, बट ये बेसिक ऐसे काफ़ी सॉफ्ट था, मज़ा आ गया खा के। मैंने मस्टर्ड सॉस के साथ खाया। और एक चीज़ है भाई यहाँ पे, अगर आप भी आ रहे हो ना तो यहाँ पे इफ़ यू फॉलो देम ऑन इंस्टाग्राम तो दे गिव यू फ्री डेजर्ट ऑन द हाउस, मतलब अगर आप इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो वो आपको एक फ्री डेजर्ट देंगे। भाई बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है, तो आपको आना चाहिए। एंड टेस्ट वाइज तो मुझे अच्छा लगा यार, यूनिक था, मुझे पर्सनली अच्छा लगा। जेस्चर वाइज बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने चीज़ ऑफर करी। तो अभी फ़िलहाल बिल पे करते हैं और यहाँ से चलते हैं। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा यहाँ का एम्बियंस वगैरह, एंड टेस्ट तो डेफिनेटली आपको आंसर। इफ़ यू आर अ बेकरी फ़ैन एंड पेस्ट्रीज एंड ऐसी कुछ फैंसी स्टफ़, विंटेज स्टफ़ आपको खाने का मन करता है, जनकपुरी में है ये और सीफो मार्केट के पास, तो मैं आपको इसकी लोकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ से चलते हैं।